तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, ये अपनी बॉल फर्स्ट कोर्ट होते हुए आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए। नमस्कार दोस्तों, पेंट करो चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि आउटसाइड की बॉल पर जो अपन वाटरप्रूफिंग करते हैं साइड बॉलों पर, तो आज हम बताएंगे दोस्तों एशियन पेंट का जी स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ है इसकी, दोस्तों आपको प्रोसेस बताते हैं कि किस तरीके से अपन को करना है। दोस्तों ये 20 लीटर की बाल्टी है, देखिए अपन इसका ढक्कन खोलेंगे। अब इस तरीके से दोस्तों इसका ढक्कन अपन ने खोल लिया, खोल के दोस्तों और अपन बाल्टी में अब 3 लीटर डैम्प प्रूफ और 1 लीटर वो डालेंगे। देखिए दोस्तों 3 लीटर डैम्प प्रूफ डालेंगे अपन, किसी भी बराबर के हिस्से से कोई भी चीज ले लें अपन तो उससे। देखिए दोस्तों ये अपन ने डाला एक मग अपन ने भर के डाल दिया दोस्तों। अब अपन दूसरा डालेंगे दोस्तों, ये अपन ने दूसरा इसमें डाल दिया। देखिए दोस्तों ये दो मग्गे अपन ने डाल दिए, तीसरा और डालेंगे दोस्तों। ये देखिए ये 3 मग्गे अपन ने डाल दिए दोस्तों। अब इसी हिसाब से दोस्तों अपन इसमें 1 मग्गा पानी डालेंगे दोस्तों। देखिए देख सकते हैं आप, ये अपन ने ये पानी डाल दिया। अब दोस्तों इसको बढ़िया तरीके से अपन मिक्स करेंगे, देखिए इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें अपन को 3 लीटर डैम्प प्रूफ और 1 लीटर पानी डालना है, इससे दोस्तों अपन इसकी बॉल की प्राइमिंग कोट करेंगे। इस तरीके से अपन इसको माल को मिक्स कर लें दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये अपन ने इसको मिक्स कर लिया। और दोस्तों ध्यान रहे 20 लीटर की बाल्टी में अपन को 40% पानी ही मिलाना है दोस्तों, जैसे कि अगर 20 लीटर की बाल्टी है दोस्तों 7 से 8 लीटर पानी ही मिलेगा प्राइमिंग कोट के लिए। जब दोस्तों प्राइमिंग कोट अपन फर्स्ट कोट तैयार कर लेंगे, उसके बाद जब अपन दूसरा कोट करेंगे सेकंड कोट, तो दोस्तों उसमें अपन को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना। अब चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि वॉल पर किस तरीके से इसको देखिए दोस्तों, इस तरीके से पहले अपन को वॉल पर पत्ती से सफाई करनी है, देख सकते हैं आप। देखिए किस तरीके से अपन इसकी दोस्तों सफाई करेंगे, देखिए तो इस तरीके से अपन इसको सफाई करते हुए, तो दोस्तों देखिए हम आपको बता रहे हैं कि साइड वॉल की वाटरप्रूफिंग कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों एशियन पेंट का स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ से अपन इसकी वाटरप्रूफिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो अपन को ये पहले से दोस्तों वाइट सीमेंट वॉल पर लगा हुआ है, इसे अपन दो कोट पुताई वाइट सीमेंट की पहले कर चुके हैं दोस्तों। तो इस पर कहीं पपड़ी वगैरह है जो जिस तरीके से, तो दोस्तों इसको अपन सही तरीके से पहले पत्ती से दोस्तों साफ करने के बाद फिर दोस्तों अपन इस पर स्मार्ट केयर डैम्प प्रूफ का प्राइमिंग कोट करें दोस्तों। देखिए इस तरीके से अपन अब इसका प्राइमिंग कोट करेंगे दोस्तों। साइड वॉल की वाटरप्रूफिंग होते हुए आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए देख सकते हैं आप किस तरीके से दोस्तों, देखिए दोस्तों इस तरीके से अपन इसका फर्स्ट कोट करते हुए आप देख रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रहे कि प्राइमिंग कोट करें तो थोड़ा इसको अपन ब्रश को 2-3 बार घोंट घोंट के, जिससे कि नस में इसका माल प्रॉपर तरीके से चला जाए दोस्तों। देखिए इस तरीके से अपन इसका, देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं ये अपना फर्स्ट कोट प्राइमिंग कोट करते हुए दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रहे जो ऑलरेडी छत पे अपन पहले प्राइमिंग कोट करते हैं, फर्स्ट कोट करते हैं और दोस्तों सेकंड कोट भी करते हैं, तो जैसे कि 3 कोट का आइटम होता है वाटरप्रूफिंग के लिए छत पर, तो दोस्तों साइड वॉल में एक प्राइमिंग कोट और दूसरा कोट दोस्तों जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है, तो सर 2 कोट में ही उसमें अपना काम हो जाता है दोस्तों, तीसरा कोट करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है अपन को। तो दोस्तों ये स्मार्ट केयर का एशियन पेंट का डैम्प प्रूफ है दोस्तों, इसकी 5 ईयर वारंटी होती है दोस्तों और 5 से 7 डिग्री तापमान भी कम करता है दोस्तों। तो ये अपना फर्स्ट कोट प्राइमिंग कोट करते हुए दोस्तों देख रहे हैं आप। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, ये अपनी बॉल फर्स्ट कोट होते हुए आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए। और दोस्तों कहीं अगर क्रैक व्रैक हैं दीवार में, जैसे कि दोस्तों इस वॉल में आपको कहीं क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं, अगर दोस्तों क्रैक्स है भी तो प्राइमिंग कोट करने से पहले दोस्तों
एक बार स्मार्ट केयर क्रैक सील से सारे क्रैक पैक कर दें। और दोस्तों इसमें ध्यान रहे आपको कि पहला जो हाथ लगाएंगे दो आड़ा लगाएंगे या खड़ा लगाएंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो दोस्तों पहला अगर अपन हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो दूसरा वर्टिकल लगाना है, और अगर वर्टिकल लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लगाना है। अगर आड़ा अपन हाथ लगाते हैं दोस्तों तो दूसरा कोट करेंगे तो खड़ा लगाना है। तो दोस्तों ये ध्यान रहे इसमें कि जब भी देखिए दोस्तों अब अपन दूसरे कोट के लिए माल बनाएंगे दोस्तों। तो ये अपन देख लिए इस तरीके से इसकी बाल्टी खोलनी है अपन को। देखिए ये अपन बाल्टी खोल रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे पैर रख के इसे अपन ग्रुप को धीरे धीरे उठाएंगे दोस्तों। देखिए ये अपन ने इसकी बाल्टी खोल दी है, देखिए कितने आसानी से दोस्तों ये बाल्टी खुल गई है। अब देखिए दोस्तों अब इसको अपन को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है दोस्तों दूसरे कोट में। देखिए जैसा माल है अपन को वैसे ही इसको मिक्स करेंगे हाथ से अपन पहले। देखिए दोस्तों पहले अपन इसको हाथ से बढ़िया मिक्स करेंगे। देखिए ये दोस्तों अपन को बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं मिलाना है दोस्तों। ये अपना दूसरे कोट के लिए माल तैयार मिक्स करते हुए देखिए दोस्तों, बस अपन इसको अब एक से दूसरी बाल्टी में अपन इसको लौटेंगे, मानो पलटेंगे। देखिए इसको अपन इस तरीके से इसमें दूसरी बाल्टी में पलटते हुए दोस्तों देख सकते हैं आप। अब ये दूसरे कोट के लिए अपना माल, इसमें दोस्तों बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है दूसरे कोट में। ये पूरा पेस्ट लगाएंगे अपन दोस्तों। ये अपना दूसरे कोट के लिए माल तैयार होते हुए अब दिखाएंगे अपन को दूसरा कोट कैसे करना है। देखिए दोस्तों ये अपन डैम प्रूफ का दूसरा कोट करते हुए देख रहे हैं आप। देखिए ये दोस्तों साइड में वाटर प्रूफिंग इसलिए की जाती है कि दोस्तों ऊपर से जो पानी वॉल पर बारिश होती है जब बह के आता है तो दोस्तों वो पानी को वॉल अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दोस्तों अंदर घर के कई जगह सीलन आ जाती है, कई जगह लोगों के फर्नीचर ख़राब हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें अपन अच्छे से अच्छा पेंट करते महंगा वाला वो भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों अपन ये एशियन पेंट के डैम प्रूफ की आउटसाइड वाटर प्रूफिंग है दोस्तों। देख सकते हैं आप इस तरीके से अपन आउटसाइड वॉल की वाटर प्रूफिंग करते हुए दोस्तों। ये अपना एशियन पेंट का स्मार्ट केयर डैम प्रूफ है दोस्तों। देख सकते हैं आप किस तरीके से अपन इस वाटर प्रूफिंग को कर रहे हैं दोस्तों। और एक खासियत और है दोस्तों, जैसे कि अपने घर के बगल में कोई खाली प्लॉट है इस तरीके का, तो उसमें दोस्तों जब बगल वाला कंस्ट्रक्शन का काम करता है दोस्तों तो क्यूरिंग या तराई वराई जो भी करता है तो अपने अंदर दोस्तों पानी जाने की पूरी संभावना रहती है। तो जब वो दोस्तों बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो जब लोग तराई या क्यूरिंग करते हैं तो वो पानी अपने वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे अंदर अपने यहाँ सीलन पानी का मॉइस्चर आसानी से पहुँच जाता है दोस्तों। अब अपन इस तरह से अगर वाटर प्रूफिंग कर देंगे दोस्तों तो फिर बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा अंदर, कोई मॉइस्चर, कोई सीपेज, कोई सीलन, किसी प्रकार की कोई सीपेज सीलन नहीं जाती है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।